नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आपने KBS पेपर लीक की वीडियो तो आपने जरूर देखी होगी, नहीं देखी हो तो हम आपके लिए दिखा देते हैं। ये मोबाइल था यहाँ पे, ये जाएगा चुपचाप बैठा रहो। चलाकी मत करना, कोई चलाकी करने की कोशिश मत करना। KBS पेपर भी लीक हुआ है, इसकी पुष्टि हो चुकी है और अब हम आपके लिए एक वीडियो बताने वाले हैं, क्योंकि इस KBS पेपर लीक के बारे में अजय सर ने क्या बोला है, तो उनकी वीडियो आप देखिए वो क्या बोल रहे हैं। हम मानते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो कमिश्नर हैं इस वक्त, वो मेहनत करके वहां तक पहुंची हैं, लेकिन जरा वो एक बार एक छोटी सी बात सोच लें कि जब उन्होंने कभी अपने एग्जाम क्रैक किए थे, जब उन्होंने कभी इंटरव्यू दिए थे और वहां पर उनको ये पता चले कि उनकी जगह उसका सिलेक्शन हो गया है जिसके पास 20 30 40 50 लाख रुपया था, उसने पैसा देकर के गड़बड़ी करवाई और वो हटा दी गई है और उनकी जगह उस पैसे वाले को वो नौकरी दे दी गई है, क्या आज वो KVS के इस बड़े पद पर आसीन होती? नहीं होती। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूं KVS कमिश्नर से, KVS में बैठे हुए अलग अलग पदों पर जो अधिकारी हैं उनसे और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। आप लोगों के मन में शायद ये बात आ सकती है कि इतने बड़े स्तर पे कुछ नहीं हुआ है, ये कुछ जगहों का पता चला है, उस पर हमने कार्यवाही कर दी है, बाकी चलो ठीक ठाक निपट गया, काम खत्म हुआ। अरे कैसे काम खत्म हुआ? जो किसान है उसके सिर पे लाखों रुपए का कर्ज है और इस आस में है कि मेरे बच्चे भी सरकारी शिक्षक बने, मेरे बच्चे भी एग्जाम क्रैक करें, मुझे भी कल को आगे चल के अपने बच्चों को उनकी जिंदगी में कामयाब होते हुए देखना है। कितने ही ऐसे परिवार हमारे देश के अंदर हैं जो 2018 से इस इंतजार में थे कि कब KVS की अगली वैकेंसी आएगी और उस वैकेंसी में हमारे घर से कोई बच्चा नौकरी लगेगा। दोस्तों, अजय सर ने जो बात की है वो बहुत ही अच्छी बात की है और उनकी वीडियो को हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जाए और ताकि ये सरकार के पास पहुँचे और कुछ निपटारा इस मामले में हो और बच्चों के लिए कोई नुकसान ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।